नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आलू बुखारा की स्वादिष्ट टेस्टी चटनी कैसे बनाए। जी हाँ दोस्तों, इसको ज़रूर बना के खाइए, बहुत मज़ा आएगा। और कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बैल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ क्या क्या सामग्री लगेगी, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक चम्मच जो है मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, बस। तो दोस्तों, हम ये है आप आलू बुखारा, इसकी चटनी बना रहे हैं तो हम इसको काटेंगे और इसके बीज को अलग कर देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, इसको हम तेल को गर्म कर देते हैं, तब तक हम इसको छील देते हैं। छीलने का मतलब ये है कि इसके जो मोटे मोटे जो हिस्से हैं, इस तरह से ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह से अलग करना है, इस तरह से। इस तरह से मैं सब निकाल लूँगा इसको। अब हमारा जो पैन जो है गर्म हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें जो है चार पांच जो है सूखी लाल मिर्च डालूँगा, ये देखिए, ये सूखी लाल मिर्च है साबुत, तो ये चार पांच डालूँगा इसमें और इसको टॉस कर लूँगा मैं इसमें अच्छे से। इसको हल्का टॉस करना है इस तरह से। तो जब ये हल्का हो जाए, जैसे कि देख रहे हैं आप, हो गया हल्का, तब हम इस पे आधा चम्मच जीरा डालें। और जीरा डाल के हम इसको हिला देंगे, ज़्यादा हमें नहीं पकाना इसको, तो इस बात का ध्यान रखें। ये 15 से 20 जो हमारे पास ये है आलू बुखारा, इसके लिए ये 5 से 6 हरी लाल मिर्च चाहिए साबुत। अभी हम गैस बंद कर देंगे दोस्तों, ये काम हो गया। अब हम जो है इसको काट लेते हैं, तो इस तरह से मैं पूरा इसको निकाल लूँगा इस तरह से। अब क्या सामग्री लगती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो हम मिक्सी लेंगे, और मिक्सी में जो है हमें चाहिए थोड़ी सी धनिया चाहिए, तो हम धनिया डाल देंगे इसमें। इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन चाहिए छिला हुआ, तो ये 10-12 लहसुन हम डाल देंगे इसमें। इसके अलावा थोड़ा सा हमें पत्ता चाहिए, ये है पुदीना, तो ठीक जितना धनिया लें उतना ही लें तो बड़ा अच्छा लगेगा खाने में आपको, इस तरह से। और एक प्याज लगेगा हमें ऑनियन, तो हम इसको जो है, चूंकि मिक्सी है तो मिक्सी में हम जो इसे मोटा मोटा काट के डाल देंगे, और मिक्सी अपना काम कर देगी, तो इस तरह से हम डाल देते हैं। तो ये हो गया। तो दोस्तों, अब जो है हम इसमें अपना जो है ये आलू बुखारा ये छील छील के मैं इसमें डालूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। नमक 1 चम्मच, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं नमक। ये देखिए, तो ये नमक ले लिया मैंने। अब मैं जो है जो हमारा ये मिर्ची है ये हम इसको डाल देंगे इसमें, और इसको अब हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों, ये आलू बुखारा पूरा मैंने काट दिया है, अब मैं इसको मिक्सी में जो है पीसूंगा। आप 1 से 2 चम्मच इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, तो आप कितना गाढ़ा लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मैं अभी बिल्कुल पानी नहीं ले रहा हूँ इसमें, तो अभी मैं जो है इसको मिक्सी में लगाता हूँ।
तो दोस्तों ये मज़ेदार चटनी तैयार है, तो मैंने इसको मिक्सी में पीसा है, 2 से 3 मिनट मेरे को लगा है। दोस्तों आप थोड़ा बहुत पानी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप सिलपट्टे में भी पीस के बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार चटनी खाइए, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।